चलो ठीक है, परम्यूटेशन किसी को भी याद है कि क्या था? वो भी बता देते। चलो लिखो तो परम्यूटेशन लिखो पहले। लिखिए परम्यूटेशन। क्या हुआ? लिखिए परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट। परम्यूटेशन इज, बात करना बंद करोगे तुम लोग? परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ, मैम उसका गलत बात बोला है। कॉपी आपकी, इसको नहीं चाहिए थी? नहीं लिखा मैम। क्या आप बोल रही हैं? अरेंजमेंट ऑफ के बाद, अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और थिंग्स। मैम स्टार्टिंग से बोल रही हैं। परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट और थिंग्स। दूसरी कॉपी नहीं है? मेरा कॉपी है भाई, तुम पगला बोला क्या? मैं पेन कॉपी उपी लाता नहीं है। एक वो है जो पेन ले लेके जाता है, वो मैं जाना दे दे भाई। दुकान पे ले आ जा। बैठो ना, यहीं बैठो ना। अरे यहीं बैठो ना, अरे यहीं बैठो ना मैम। मेरा कॉपी है, सुनाई नहीं दे रहा। कॉपी दो उसकी, वो वापस अपने पेज पे जाए। चलो जाओ, चलो देखो। परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स। एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स, ठीक है? ये एक अरेंजमेंट है। अब देखो इसमें एक एग्जांपल दे रहे हैं, कोई भी नंबर हो। इसके बाद लिखिए फैक्टोरियल, फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट, सॉरी फैक्टोरियल, सिंपली फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट बहुत डिफरेंट चीज होता है। सिंपली फैक्टोरियल लिखो, फैक्टोरियल, ठीक है? मैम तो इसका एग्जांपल दे दीजिए। हाँ बता रहे हैं, दोनों का एग्जांपल साथ में आएगा। लिखिए फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का एग्जांपल लिखो। फाइव फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। जरूरत ही नहीं है। ये जो भी होगा एक सेट ऑफ प्रोडक्ट्स होगा, लिख सकते हो सेट ऑफ प्रोडक्ट्स होगा, जहां से शुरू होता है उसके बैकवर्ड डायरेक्शन में अंटिल वन तक। हाँ, उसका प्रोडक्ट का अरे हंड्रेड को भी वैसे ही लिखेंगे, लेकिन हर जगह इतना लिखना जरूरी नहीं है। इतना हर जगह लिखोगे उसको शॉर्ट में ये लिखा जा रहा है। टू फैक्टोरियल मानो सिक्स फैक्टोरियल लिखना है, कहीं आपका अरेंजमेंट आंसर आता है सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन, ये रिजल्ट आ रहा है। तो आप इतना हर जगह नहीं लिखो, सिर्फ इसको ये लिख लो। इसका नोटेशन आइदर इस भी तरह से लिख सकते हो और ये लिख सकते हो, ये दोनों नोटेशन, ठीक है? ये है फैक्टोरियल, ठीक है? अब देखो परम्यूटेशन क्या है। एक्सक्यूज मी मैम। हां मैम, क्वाड्रेटिक के बाद मैम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है मैम, चैप्टर 3। ठीक है, उसमें क्या दिक्कत है? सो पढ़ने का मन नहीं रहता, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। चलो देखो, इसके बाद हम लोग देखते हैं अरेंजमेंट क्या है, ठीक है? मान लो आपके पास कोई 10 पर्सन है, या फिर मान लो 5 पर्सन है। 5 पर्सन में कोई एक एंटर कर रहा है। मान लो क्लास में कितने स्टूडेंट है? 18। 13, ठीक है? 13 स्टूडेंट में क्लास में जो पहला प्लेस,
पहली बार जो फर्स्ट क्लास में बच्चा इंटर करेगा उसके बाद कितने प्लेसेस होंगे बैठने के लिए? जितना भी है 12 क्यों रहेगा, 13 है तो पहला बच्चा मैंने कहा अगर फर्स्ट स्टूडेंट क्लास में एंटर कर रहा है तो उसके पास कितने प्लेसेस हैं बैठने? टोटल जितना भी प्लेस है उतना एन प्लेस है, तो एन प्लेस है अवेलेबल प्लेस है उसके पास। अगर एक बच्चा भी क्लास में बैठ चुका है तो कितना प्लेस बचा? एक प्लेस पे तो वो बैठा हुआ है, उस प्लेस पे आप नहीं बैठ सकते। बाकी कितने तरीके आपके पास बैठने का? 12 ऑप्शन है। ठीक है, अगर 5 है तो फर्स्ट पर्सन के लिए, चुप, फर्स्ट पर्सन के लिए 5 प्लेस है। ठीक है, अगर एक ले रहे हैं एग्जांपल, दूसरा जो पर्सन आएगा उसके लिए कितना है? 4। थर्ड पर्सन के लिए 3। नेक्स्ट और लास्ट जो भी बचा उसके पास एक ही ऑप्शन है बचा। 0 किसके पास बचा, बचेगा बताओ तो सरा? आया नहीं। मतलब अपने मन से दिमाग लगा क्लास में 10 प्लेसेस है, 10 स्टूडेंट्स है, बात खत्म। पहला बच्चा अगर एंटर करेगा किसी एक प्लेस में बैठेगा, बाकी कितना प्लेस खाली है? 9 प्लेस है और 9 पर्सन है। फिर सेकंड क्लास सेकंड स्टूडेंट आ रहा है, कितना बचा? इसी तरह जाएगा कंटिन्यू, लास्ट कितना बचेगा? लास्ट जो पर्सन एंटर किया है, 10th बच्चा जो एंटर करेगा वो लास्ट एक ही ऑप्शन उसके पास, कहीं हार नहीं बैठ सकता। तो इतना पॉसिबल प्लेस पे है। अब देखो, मान लो ये किसी एक पर्टिकुलर सीट पे बैठा है, बाकी का 4 प्लेसेस तो इसने छोड़ दिया, लेकिन ये चाहता तो किसी और प्लेस पे भी बैठ सकता था। इसी तरह ये दूसरी बार जब आया तो इसके पास 4 ऑप्शन थे, लेकिन मान लो इसने इसको चूज किया, मतलब ये 3 ऑप्शन इसने छोड़ दिया, लेकिन अरेंजमेंट क्या हो सकता था? ये किसी भी पे बैठ सकता है। इसी तरह थर्ड अगर ये, तो वो दूसरे तरीके से बैठ सकता है, इसके पास 3 ऑप्शन था और ये सपोज इसने ये चूज किया तो बाकी का 2 ऑप्शन इसने छोड़ दिया। इसके पास मान लो ये रिप्लेस कर सकते हैं या फिर ये रिप्लेस कर सकता है, कोई एक चूज करेगा तो लास्ट ऑप्शन उसके पास ये बचा। अब इस केस में क्या हो रहा है, हर केस में ऑप्शन जितना है टोटल अवेलेबल ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं और जो हम लोगों ने सेलेक्ट किया है वो भी उसमें कहीं ना कहीं आ जाएगा। अब देखो, इसके पास 5 प्लेसेस थे, 4, 3 इस तरह से। अब इस सब का जो प्रोडक्ट होगा ये रिजल्ट क्या देता है? फैक्टोरियल। यही फैक्टोरियल उसका अरेंजमेंट बताता है। एक काम करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज 3 वर्ड्स का एक लेटर ले लिया, ठीक है। अगर इन सब को तीन वर्ड्स है, 3 लेटर है जो है, इसको आप किस तरह सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हो THE लिख के? अगर मैंने इसको रिप्लेस कर दिया, पहले ये लिख दिया EST, ये भी एक तरीका है, लिखा जा सकता है। नेक्स्ट में HTE भी लिख सकते हो, HET भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? EH भी हो सकता है, और भी कुछ बचा? ETH और EST हो चुका है, और कुछ? So, अब यहाँ पे देखिए, आपके पास कितना लेटर था? 3 फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे? 3 × 2 × 1 रिजल्ट क्या आ रहा है? 6 × 6 ये 6 पॉसिबल केस था क्या? देखो यस मैम यही टोटल अरेंजमेंट होता है। जितने हाँ ऑब्वियसली वो भी एक अरेंजमेंट है, बाकी मीनिंगफुल अरेंजमेंट नहीं है अगर इंग्लिश का लॉजिक लगा लो, बट अरेंजमेंट है। जितना भी पॉसिबल वे है उसका तरीका है लिखने का, वो पूरा का पूरा आ जाएगा परमुटेशन। ठीक है, अब इसी में पूछ दिया जाए मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन कितना दे रहा है, मतलब मीनिंगफुल वर्ड कितना बन रहा है, तो एक ही बन रहा है। कुछ होता होगा वैसा नहीं, मतलब लॉजिकल एक ही वर्ड बन रहा है, तो अगर ये पूछा जाए तो ऐसा कितना अरेंजमेंट पॉसिबल है जो मीनिंगफुल वर्ड दे रहा है, तो वो एक ही है, बाकी मीनिंगफुल वर्ड नहीं दे रहा है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तब, अगर सिंपली पूछा जा रहा है हाउ मेनी वेज वी कैन राइट दिस, तो ये 3 फैक्टोरियल आउटकम 6, ये अरेंजमेंट है। और ये तब पॉसिबल है जब ये सारे लेटर्स डिफरेंट हो, मतलब इन केस ऑफ पर्संस की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो सब स्टूडेंट क्या है? डिफरेंट है, इंडिपेंडेंट स्टूडेंट्स है,
तो उस केस में ये अरेंजमेंट पॉसिबल है। लेकिन अगर इसी में मान लो कुछ ऐसा वर्ड यूज कर लिया जाए, जैसे मान लीजिए ऑल, यहाँ रिपीटेड वर्ड है। अब इसका अरेंजमेंट बना के देखो क्या है, करके देखो जितना बन रहा है बनाओ ना, कॉपी में बनाओ, बताना बाद में। जहां रिपीटेड है उस केस की बात कर रहे हैं, तीन लाल पीला हरा जो बन रहा है बनाओ, तीन बन रहा हूँ, तीन ही बन रहा है, यही बन रहा है, थ्री बन रहा है, ठीक है। इसमें ये कर लिए, एक ये आ गया, एक ये भी लिख दोगे, एक एक ही बनेगा, और भी ऑप्शन है सिमिलर है, होगा शुरू में लिखा हुआ है ऑल मैम, दो ए है ना, दो ए है दो ए, और कुछ होगा जो भी बने, मतलब कुछ नया वर्ड भी घुसा दो होगा नहीं। अब देखो इस केस में क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, अगर रिपीटेड है कुछ भी टर्म्स, अगर वर्ड लेटर्स रिपीटेड है, तब जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट होता है वो कितने लेटर से बना है पहले वो काउंट करो, कितने लेटर से बना है, थ्री लेटर, सो थ्री फैक्टोरियल जो आप पहले लिखते थे वो लिखो, सिक्स होगा मैम, सिक्स, भाई तुम चुप नहीं रह सकता है। उसके बाद देखो जो रिपीटेशन, रिपीटेशन है कितना, रिपीटेशन है तो रिपीट कर रहा है, एक वर्ड एल है जो दो बार रिपीट कर रहा है, तो डिवाइड कर देंगे टू फैक्टोरियल, दैट मींस 3 इनटू 2 इनटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इनटू 1 टू कैंसिल, सो अरेंजमेंट कितना पॉसिबल है, 3। लेकिन ये तब होगा जब रिपीटेशन, ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स इस तरह से आ जाएगा। लेकिन अगर वही रिपीटेशन नहीं है तो जो पहले वाला तरीका था वही होगा, क्या तीन होगा तो थ्री फैक्टोरियल डिवाइड कर देंगे, सब मान लो एक ही है, ऐसा भी वर्ड हो, सपोज ए ए ए, सपोज दिस इज अ वर्ड, क्या हो जाएगा, थ्री फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेशन कितना है, थ्री फैक्टोरियल, एक ही ऑप्शन है, रिपीटेबल रिपीटेशन उसको डिवाइड कर देंगे, यस, ठीक है। नंबर ऑफ पॉसिबल वर्ड्स है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट नहीं है, दिस इज नंबर ऑफ पॉसिबल वर्ड्स, ठीक है, और वर्ड नहीं बन सकता, आप ये ए पहले लिख दो, वो ये बाद में लिखो, एक ही बात है, रिपीट होगा तो ये होगा, अगर रिपीटेशन नहीं है तो वो होगा, ठीक है, क्लियर है। चलो इसी चीज को आप पॉइंट में लिख लीजिए एक बार अवश्य लिखो, द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स of n elements, the number of possible arrangements of n elements, of n distinct elements, different elements, of n different elements, of n different elements is kya ho jayega, n factorial, अगर कैपिटल मैम एक बार फिर से बोल दीजिएगा, इतना स्मॉल एन लिखे हो तो स्मॉल एन फैक्टोरियल, ठीक है, क्लियर है, अगर डिफरेंट एलिमेंट्स होगा तो एन फैक्टोरियल। चलिए नेक्स्ट लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, द नंबर, मैम पहले वाला एक बार फिर बोल दीजिए, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ एन एलिमेंट्स इज एन फैक्टोरियल। भाई तुम क्लास आ जाया करो यार, बहुत दिक्कत होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट्स व्हेन द लेटर्स आर रिपीटेड, व्हेन द लेटर्स आर रिपीटेड are given by n factorial by r factorial, छोटा लिखना जरूरी है, small capital भी लिख सकते हो, but r को r capital मत लिखना, r small ही लिखना, ठीक है,
repeated the number of possible arrangements is n factorial by r factorial. ठीक है, देखो कभी कभी ये टर्म आएगा, कभी कभी ये भी हो सकता है एक से ज्यादा लेटर्स रिपीट हो, जैसे एक वर्ड लो मैथमेटिक्स, ठीक है उसमें रिपीट हो रहा है, देखो क्या क्या रिपीट हो रहा है, लिखो पहले लिखिए मैथमेटिक्स वर्ड लिखो तो ए रिपीट हो रहा है और एम रिपीट हो रहा है, एम रिपीट हो रहा है, टी रिपीट हो रहा है, डी हो गया, ठीक है मतलब एक से ज्यादा लेटर्स अगर रिपीटेड हो, ठीक है इन दैट केस n factorial divided by r1 factorial, r2 factorial, r3 factorial इस तरह जाएगा, ठीक है rk factorial, ठीक है इस तरह का जाएगा, कैसे कब होगा ये सब, जब आपके पास डिफरेंट एक ही वर्ड में अलग अलग लेटर्स रिपीट हो रहा हो, जैसे मान लो एक एग्जांपल ये भी डाल लो, ये पहले लिख लीजिए फॉर n फॉर k रिपीटेशन, ठीक है फॉर k रिपीटेशन, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला इस केस में ये, ठीक है देखो n a t h e l a t i c s, ये है मैथमेटिक्स रिपीटेशन, देखो क्या है m a है t b रिपीट हो रहा है, ये तीन लेटर्स जो है रिपीट हो रहा है, टोटल कितने लेटर्स है काउंट करो इसका कॉम्बिनेशन 11 11 फैक्टोरियल 11 मैम, किसी को 9 दिख रहा है, किसी को 11 मैम, 11 है, सो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय रिपीटेशन किसका है, 3 फैक्टोरियल, ठीक है इसको सिंपलीफाई कर लो, जो आएगा वो आंसर कहां फॉर के रिपीटेशन, फॉर के हां दिस इज 1 टू r टू k तक जा रहा है ना, फॉर के रिपीटेशन बोलो ठीक है, मत सिंपलीफाई करो तो फिर शुरू बोलो मैम, ये भी तो मैम कुछ पूछे पूछ लीजिए, बोलो क्या बोल रहे हो मैम, एक क्वेश्चन है, हां दो क्वेश्चन है मैम, क्वेश्चन लिखिए ना, क्वेश्चन बोलिए क्या, देखिए जैसे मैम फोर डिजिट है 0235 इसको अरेंज करना है, फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया, आप एक काम करो क्वेश्चन मुझे शेयर कर दो, सुनाई नहीं दे रहा है क्लियरली, आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम, फोर डिजिट नंबर है 0235 0225 कुछ भी ले लीजिए 0235 ठीक है मैम 35 है 0325 एक क्वेश्चन और है, हाँ इस नंबर का क्या करना, क्या अरेंजमेंट निकालना है, कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, हाँ नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट, हाँ इसका करना है, ठीक है तो फोर फैक्टोरियल करोगे, फोर लेटर्स है, फोर डिफरेंट लेटर्स है, अरेंजमेंट फोर फैक्टोरियल हो जाएगा, फोर फैक्टोरियल में जितना भी पॉसिबल है वो आंसर आ जाएगा, मतलब 4 into 3 into 2 into 1 करोगे 24 पॉसिबल अरेंजमेंट्स है इसका पॉसिबल, बस ये उसी तरह अल्फाबेटिकल लेटर होगा उसी तरह, लेकिन यहाँ पे अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं ना, तो इस तरह से अरेंजमेंट हो सकता है, लेकिन कभी कभी यहाँ पे जो टर्म आएगा देखो फोर डिजिट नंबर है मैम, हाँ फोर डिजिट नंबर है और मैम इसमें आंसर इतना नहीं दे रहा है, इसमें नहीं दिया हुआ है, कैलकुलेशन जीरो का मेथड ही कुछ दूसरा कर दे रहा है, क्योंकि मैम डिजिट फॉर्म नहीं हो रहा है, जीरो से स्टार्टिंग डिजिट फॉर्म नहीं होता है ना, कोई भी नंबर अगर फॉर्म किया जाए तो जीरो से स्टार्ट होता है तो वो फॉर्म नहीं ना होता है, काउंट कर रहे हैं एज ए नंबर, ठीक है तो मैम हाउ मेनी वेज ऑफ फोर डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग 0235 बोलना चाह रहे हो ना, लेकिन ये फोर डिजिट नंबर नहीं है, इसमें जीरो इंक्लूडेड है तो अरेंजमेंट तो पॉसिबल है ना, चूंकि ये जीरो है तो आप उसको थ्री डिजिट नंबर लेना चाह रहे हैं, यही बता रहे हैं ना,
मैम आंसर भी इस तरह से नहीं दे रहा है, वही तो हमको समझना था ना। ठीक है तो आप तो जब ऑफलाइन क्लास आना तो फिर मत पूछना, ठीक है? अभी क्यों नहीं? अभी आप कुछ क्लियर पता ही नहीं चल रहा है क्या बोल रहे हो। अरेंजमेंट इसका पॉसिबल है, ये फोर डिजिट नंबर आप उसको नहीं काउंट करोगे, इसका मतलब ये बोलना चाह रही है सिग्निफिकेंट नहीं है, जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, यही बोलना चाह रहे हो ना। लेकिन अगर अरेंजमेंट वो पॉसिबल है तो क्या ये नंबर में, अगर मान लो 10 डिजिट नंबर्स हो तो उसमें ये नंबर लास्ट में जीरो नहीं डालते हैं क्या? स्टार्टिंग में डालेंगे तो मैम पॉसिबल होगा, उसको फोर डिजिट नंबर काउंट नहीं करोगे, लेकिन अरेंजमेंट की बात करोगे तो अरेंजमेंट क्वेश्चन क्या है एग्जैक्ट वो बताओगे तब ना, मीनिंगफुल नंबर की बात करोगे। फोर डिजिट देखो, अगर इस फोर डिजिट से 0325 अगर आप ले रहे हैं, इससे आप अरेंजमेंट करना चाहते हैं तो अरेंजमेंट में जीरो इंक्लूडेड होगा अगर अरेंजमेंट है तो। लेकिन ये पूछा जाए इससे फोर डिजिट नंबर्स कितना बनाना है जो कि मीनिंगफुल फोर डिजिट नंबर मिले, तब इसका जीरो का इंक्लूजन नहीं होगा, नहीं लेंगे उस केस में। अगर जीरो शुरू में लिख दिए तो ये थ्री डिजिट नंबर हो गया, ये बोलना चाह रहे हैं। तो वो चीज हो सकता है, लेकिन अगर नंबर काउंट कर रहे हैं तब। लेकिन अगर हम अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, इन दैट केस जीरो इज देयर। मैम तो मैम थ्री, अगर थ्री मान के चलेंगे मैम तो सिक्स आएगा। क्या बोल रहे हो? थ्री टू फाइव जीरो लिख दिए तो फिर क्या क्वेश्चन है बोलो? सेम क्वेश्चन क्या? अगर थ्री टू फाइव जीरो लिख दिए तो आप 3250 भी लिखोगे ना, तब ये 4 डिजिट नंबर काउंट हो रहा है। अगर आप नंबर फॉर्म कर रहे हैं तो ये मीनिंगफुल नंबर है, ये 4 डिजिट नंबर है। लेकिन इसके अच्छा मैम ठीक है, आप ही के अनुसार मैम 4 डिजिट नंबर फॉर्म करना है तो वो तो वैलिड हो गया ना इसमें। तो उस केस में यहाँ पे हम रेस्ट्रिक्शन डाले होंगे कि अगर आपको 4 डिजिट फॉर्म करना है, 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, तो जीरो जो होगा वो फर्स्ट प्लेस नहीं लेगा, मतलब जीरो। ठीक है मैम वैसे ही बनाइए ना मैम, एक बार आप वैसे ही बने ना। दूसरा क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन तो बन जाए लेकिन दूसरे क्वेश्चन में डाउट हो रहा है इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। पहले आप इसका मतलब जब फर्स्ट डिजिट जीरो वैल्यू ना हो तो उसमें कितना आंसर आएगा वो, और एक और क्वेश्चन है दोनों को रिलेट करके हमको थोड़ा बता दीजिए। मैम क्वेश्चन हम आपको भेज रहे हैं, ठीक है? कॉमा कहाँ लगा हुआ था? दैट इज साइन ऑफ फैक्टोरियल। टू फैक्टोरियल के बाद मल्टीप्लिकेशन है, लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। बच्चा लोग को अंडरस्टूड नहीं है। अगर वो कॉमा भी करके लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ना, यही बोल रहे हो ना आर फैक्टोरियल, ये तो यहाँ पे कॉमा दिए ही कहा थे, ये ऐसे ही रहेगा मल्टीप्लिकेशन में। और कोई साइन अगर नहीं हो किसी भी नंबर के बीच में, दैट मींस वो मल्टीप्लिकेशन है। सिंगल नंबर भी तो हो सकता है वहां। क्या नंबर हो सकता है? डबल डिजिट 32 लिखा हो तो 32 मान लो, 32 लिखा हो तो 32। हां मतलब मैम कुछ नहीं है, सिंबल नहीं है तो 32 लिखा हो तो उसको 32 भी तो मान सकते हैं, बीच में साइन फैक्टोरियल नहीं दिखा। अभी आप क्या बोलेंगे अगर कुछ नहीं रहेगा तो? अगर डिजिट है तब ना, फ्रैक्शनल में सिंपलीफिकेशन में ये क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन होगा। वो नहीं मैम, तो ऐसे लिख दो ना, तो 32 ही मानेंगे हम इसको। मान अमन अमन सुनो ना, तुमको व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजे मैम को, दिखाओ तो। ठीक है बताओ, वही तो अभी बेसिक बता रहे थे, फिर बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन हो जाए। हाँ बोलो, अभी है और है। हाउ मेनी वेज अ फोर डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग दिस? ठीक है 0235 वही है ना, यही वाला है ना 0235। ऐसे कॉमा देके लिखो या नंबर लिखो, एक ही बात है। इस नंबर को कितने फोर, इस नंबर से कितना फोर डिजिट का नंबर बनाया जा सकता है? अब देखो कभी भी अगर आप 0235 ये लिख देते हैं तो दिस इज थ्री डिजिट नंबर, यही है ना। और अगर इसे फोर डिजिट नंबर बनाना है, मतलब जीरो में रिस्ट्रिक्शन होगा कि ये फर्स्ट प्लेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा, मतलब जीरो के पास कितने प्लेसेस पॉसिबल है? थ्री फैक्टोरियल। सो जीरो का आप कंडीशन डाल दो, मतलब फर्स्ट प्लेस में क्या करो, टू रख लो। टू अगर फर्स्ट प्लेस में रखे तो आप कितने बचा, ये मान लो फर्स्ट प्लेस पे है, बाकी कितना पॉसिबल, ये चीज है थ्री। सो इस थ्री फैक्टोरियल को यहाँ लग सकते हैं, मतलब एक कॉन्स्टेंट
और 3 फैक्टोरियल वे. सो इस केस में कितना पॉसिबल ऑप्शन हुआ, एक फिक्स प्लेस है, बाकी का 3 फैक्टोरियल वे है. इसी तरह दूसरा प्लेस रख लो 3 को, फिर बाकी का प्लेस कितना है 3 फैक्टोरियल वे में रखा जा सकता है. नेक्स्ट प्लेस में 5 रख लो 3 फैक्टोरियल वे में रखा जा सकता है. कितना पॉसिबल ऑप्शन बनेगा, कोई एक ही से बनाएंगे ना, तो हां एक ही में ही बनाएंगे. हां एक ही लेंगे बस, सब में एडिशन जाएगा. ठीक है, ये तो आंसर कितना होगा. वेट वेट, मैम मेरी बात सुनिए ना पूरी. हाँ बोलो. चलिए मैम ये तो बन गया, इसका 18 आ जाता है. बट इसका जस्ट सेकंड वाला क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में डबल जीरो हो जाए और इसको इसी में फिर से हम बनाते हैं या फिर रिपीटेड क्वेश्चन. डबल जीरो है और डिजिट कितना है, ऑड नंबर्स कितना है मैम, भी ले लीजिए ना, मतलब नहीं है ना, मतलब डबल जीरो कर दीजिए कोई इतना भी. डिजिट हटा के एक डिजिट हटा के, यस मैम. और मैम यही ना, एक डबल फाइव कर दीजिए उसमें, सबको. ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? नहीं, आधे को है आधे को नहीं है. देखो 2 का फिक्स्ड ऑप्शन है, तो इस फिक्स्ड प्लेस को ऑक्यूपाई करने के बाद 3 फैक्टोरियल वे में कितना अरेंजमेंट है, ये फिक्स है. 3 फैक्टोरियल वे कितना आएगा इसमें, आंसर क्या आएगा 3 फैक्टोरियल का, ये 6 होगा. 2 फिक्स्ड ऑक्यूपाई प्लेस कर रहा है, दूसरे केस में क्या हो रहा है, ये 6 हो जाएगा, एडिशन करते चले जाओ, टोटल 18. ये पॉसिबल ऑप्शन है. यहाँ पे आपने कंडीशन डाल दिया है कि जीरो प्लेस ये ऑक्यूपाई नहीं करेगा, तो जो जीरो वाला जो है वो ये प्लेस लेने वाला है, बाकी का जो है वो 3 फैक्टोरियल में जाएगा. ठीक है मैम, तो अगर 2 लेंगे मैम तो 2-2 मैच कर जा रहा है ना मैम. मैच करने से क्या मतलब है, मैं बेसिक से चलाइए ना मैम, आप जैसे पढ़ा है जैसे कीजिए, उसको एक्सेप्शनल केस में पढ़ा दीजिए. 50,79,600 आ रहा है जस्ट. जैसे मान लो अरेंजमेंट में अगर हम लोग ये डाल दें, कोई टर्म लिख रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई वर्ड बोलो, कोई भी वर्ड बोलो, सीमेज, बहुत ज्यादा याद आ रहा है. ठीक है, इसमें अगर मान लो कंडीशन इम्पोज कर दिया जाए, आप जो भी अरेंजमेंट करना है सीमेज के लेटर्स का अरेंजमेंट करो, बट कंडीशन है जो वॉवेल्स है वो टुगेदर होना चाहिए. कितने वॉवेल्स है इसमें, देखो इसको दो लिख रहा है, ठीक है, 3 वो वॉवेल्स एक साथ होना चाहिए, बाकी जो भी अरेंजमेंट करना है आप कर सकते हैं, एक कंडीशन इम्पोज कर दिया. अब इस केस में क्या करना होगा हमें, कितने वे में अरेंज किया जा सकता है, क्योंकि अब ये 4 लेटर का वर्ड बन चुका है. सीमेज एक वर्ड है, एक मैसेज टर्म है. अब इसमें कंडीशन डाल दिया गया है, तुम लोग शांत रहो, क्या कर रहे हो, आपको समझ में आ गया तो हो गया, बात खत्म हो गई. ना समझाइए, सीमेज एक वर्ड है जिसका अरेंजमेंट करना है, अरेंजमेंट करने के हिसाब से हम लोग जानते हैं, अगर इसका अरेंजमेंट करना है तो कितने लेटर का वर्ड है बताओ, 6 लेटर है मैम, में आप अरेंज कर सकते हैं, कुछ भी रिपीटेशन नहीं है, तो ये ओरिजिनल जो आप करते थे वो कर रहे हैं, बट यहाँ पे एक कंडीशन इम्पोज कर दिया गया है, वॉवेल्स आर टुगेदर, आप जो भी अरेंजमेंट करना है करो, ये 3 लेटर एक साथ होना चाहिए, ये 3 लेटर एक साथ है मतलब ये तीनों के सेट में बढ़ेगा, या तो एंड में चला जाए, शुरुआत में चला जाए, कहीं भी मिडिल में हो, ये 3 लेटर हमेशा साथ में रहेगा. सो 1 2 3 अब इसको एक ऐसा सिंगल वर्ड कंसीडर कर लो, उसके बाद क्या आया, फर्स्ट लेटर मान लो इसको रख दे
कॉन्सोनेंट को हम रख दिए 1 2 3 4, कितने लेटर अब बने? 4 लेटर. तो इसका अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल वे में हो सकता है. उसके बाद यहाँ पे देखो ये जो आई ए ई है ये तीनों साथ रहेगा. इसका मतलब ये नहीं है ना ए आई ई नहीं हो सकता है, ये भी हो सकता है और भी अरेंजमेंट हो सकता है जो तीन लेटर का हम लोग पहले भी कर चुके हैं, वो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, तो ये तीन लेटर 3 फैक्टोरियल वे में जा रहा है, बाकी का 4 लेटर 4 फैक्टोरियल वे में जा रहा है. तो इसका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा बोलो? वही हो जाएगा, इसका हो जाएगा 4 into 2 = 144. अभी 24 कैसे हो रहा था? 24 हो जाएगा. नहीं मानोगे? खुद का होगा, फिर इसका सीक्वेंस अगर भी ऑर्डर चेंज करो वो रिजल्ट आ जाएगा. तो ये जो रिजल्ट है वो उसका आंसर है. तो इस कंडीशन के साथ उसको आंसर निकाल सकते हैं. ठीक है, एक कंडीशन इंपोज किया गया. अब मान लो इसी में अभी जस्ट जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग चले. मान लो 6 लेटर का वर्ड है, उसमें कंडीशन डाल दिया जाए फर्स्ट लेटर हमेशा सी होना चाहिए. फर्स्ट लेटर हमेशा सी होना चाहिए. पहला लेटर तो सी है, जो भी लिखो आप. कितना बचा बाकी? 5 फैक्टोरियल. तो फर्स्ट लेटर सी, बाकी का अरेंजमेंट आप 5 फैक्टोरियल में कर सकते हैं. वो करना, एक मिनट रुको ना, वो भी करना. ये होगा पहला स्टेप, ये हो सकता है. बाकी के 4 लेटर का, अब 5 लेटर का आपको जो भी अरेंजमेंट करना है करो. फर्स्ट लेटर जो होगा वो कंडीशन है, इतना ही होगा. ठीक है, और कुछ इसका रिप्लेसमेंट किया जा सकता है ये बताओ? और कोई ऑप्शन है यहाँ? एडिशन आएगा? कैसे आएगा बताओ? 1 फैक्टोरियल हो जाएगा. हाँ, 1 फैक्टोरियल सी का. सी तो सी फिक्स है ना, 6 इज 1. तो आपका अरेंजमेंट कितना है? 5 फैक्टोरियल. बताओ क्या करेंगे? पहला लेटर सिक्स है, सफल सी है, बाकी का जो भी लेटर है 5 फैक्टोरियल में वो अरेंज होगा. कितना ऑप्शन है पॉसिबल? 120. और कुछ सोचो. और एक मैम सीमेज खुद रहेगा तो वो ऐड नहीं हो जाएगा क्या? अब वो सीमेज खुद है, वो एक अरेंजमेंट ही है. वो खुद एक अरेंजमेंट है, वो अरेंजमेंट है. मीनिंगफुल अरेंजमेंट हाँ बोल सकते हो, बिकॉज नेम है. वो खुद ही अरेंजमेंट है, वो उसमें इंक्लूडेड है. वो कितना पॉसिबल वे है? 120. और भी कुछ ऑप्शन लग रहा है, कुछ और हो सकता है? अब यहाँ पे कंपेयर करो. अभी जस्ट जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे वो क्या था? 0325. मान लो ये 4 डिजिट का नंबर, इसको 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है. कंडीशन है ये 0 नहीं होना चाहिए शुरू. ठीक है, 0 शुरू में नहीं होना चाहिए. यहाँ ये कंडीशन डाला हुआ है और यहाँ ये कंडीशन है कि सी ही होना चाहिए. तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? सी ही होना चाहिए. तो इसमें एक ही पे रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, ये ऐसा हो, बाकी जो भी अरेंजमेंट है करो. इसको नहीं होने का मतलब ये है कि बाकी का 3 प्लेसेस ये है ऑक्यूपाई करेगा. तो यहाँ पे एडिशन आ रहा था, समझ आया? मतलब यहाँ पे आपको 3 रखना है, बाकी अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल. ये एक नंबर है, एक लेटर है, दूसरे में 2 रख रहे हो, उसमें 5 रख रहे हो, 3 फैक्टोरियल ये हो गया, 3 फैक्टोरियल ये हो गया. यहाँ एडिशन होगा लेकिन यहाँ पे क्या था, एक ये जो नंबर है वो नहीं हो. मतलब और भी पॉसिबल नंबर्स है, एक से ज्यादा जो नंबर है वो यहाँ होंगे, देन यहाँ एडिशन होगा. लेकिन वहाँ पे फर्स्ट लेटर पे ही कंडीशन है, सिर्फ ये लेटर होना चाहिए, बाकी का जो भी आपको रखना है वो बाद में रखो. मतलब इस पे कंडीशन इसको हटा दिया गया. अगर यही होता कि फर्स्ट लेटर पे सी, ये सी यहाँ नहीं होना चाहिए. ठीक है, ये सी यहाँ नहीं होना चाहिए, मतलब क्या होगा? आई होगा, बाकी का कितना? 5 फैक्टोरियल. नेक्स्ट एम लिख लो, 5 फैक्टोरियल. ए हो 5 फैक्टोरियल, जी हो 5 फैक्टोरियल, नेक्स्ट ई हो 5 फैक्टोरियल.
ये कॉम्बिनेशन होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव प्लस जो साइन जा रहा है हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों डिफरेंस है, इस चीज को समझो। इसमें ये नहीं हो तब ये कंडीशन और यही हो तब वो कंडीशन, ठीक है। जो भी सिंप्लीफाई करके लाओगे वो आंसर आएगा, क्योंकि ज्यादा कैलकुलेटिव है यहाँ पे। लेकिन भैया क्या होगा, हाँ तो रिपीटेशन के लिए उसको रिमूव करने का ऑप्शन है, वो भी आएगा। टोटल तो बताओ, शुक्र 144 है। वॉबल्स टुगेदर है मतलब आई एम ई जो है, सॉरी आई ई ना, ये साथ में है, बाकी का क्या बचा, सी एम जी। तो वन ये फर्स्ट लेटर, ये सेकंड, ये पूरा एक लेटर है, थर्ड ये फोर्थ फैक्टोरियल में ये अरेंज हो जाएगा। उसके बाद ये जो तीन लेटर है उसका रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, कितने रह गए, 3 फैक्टोरियल में उसको मल्टीप्लाई करो जो आएगा। 4 फैक्टोरियल का आंसर क्या होता है, 3 लिखा है ना, 3 × 2 करो ना, ऐसे अभी तक फैक्टोरियल में लिखती हो, 3 × 2 × 1 करो क्या आएगा, 6 ही है ना, वो आपको याद है तभी ना, ठीक है, क्लियर है। ये अभी वाला कंफ्यूजन खत्म करने का एक था आपका। चलो इसी तरह का और कोई कंडीशन इम्पोज किया हुआ हो, चलो मैथमेटिक्स में ही कर लो, सारे वॉवेल्स एक साथ हो तो कितना अरेंजमेंट पॉसिबल है। आप अपना फोन रखो तो पहले साइड, क्या ऐसा इम्पोर्टेंट है भाई। हाँ, मैथमेटिक्स का टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट क्या होगा व्हेन ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर, करके देख, करके देखो, फाइव फैक्टोरियल आ रहा है, मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में निकाली जितने भी वॉवेल्स है, वॉवेल क्या है, ए बी आई, ए दोबारा भी है, यू किसको दिख रहा है इसमें, आशीष को, क्या आशीष को, ए आई है और ए रिपीटेड है, इतने वॉवेल्स हैं, ये वॉवेल्स हमेशा साथ होने चाहिए। मैम एक और रिपीटेशन, मैम रिपीटेशन आई का आई तो नहीं, मैम आई हो रहा है, मैम आई रिपीट हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है, मैम टी को अंडरलाइन कर दी, टी को कर दी, टी नहीं आई कर, फोन पीछे खाके एक दिन हम खेते से बात लॉस हो जाएगा, लॉस होगा तभी पकड़, अच्छा खासा हो जाएगा लॉस आजकल ना, बाकी लॉस किसी को समझ में नहीं आता है, फाइनेंशियल लॉस ज्यादा समझ में आता है, वही तो लॉस होता है और कुछ नहीं होता, बहुत लॉस। चलो बताओ हेल्थ का लॉस लॉस नहीं होता है क्या, सबसे बड़ा लॉस हो गया, मैम हो गया, मैम 120 उसको एक साथ लिख लो, क्या है ए आई ई आई है ना, सेवन फैक्टोरियल, बाकी क्या बचा, एम 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 आई एम आई आई तो होगा नहीं, एम टी सी एस सी हो चुका है, फिर से टी है, चलो ठीक है, आगे सी एस एम कुछ बच गया है, देख लीजिए वही सेवन फैक्टोरियल इनटू फोर फैक्टोरियल, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, पहले तो अरेंजमेंट कर लो, 1 2 जिसको भी प्रॉब्लम है काउंटिंग कर लो ऐसे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने लेटर्स है, 8 8 फैक्टोरियल होगा पहला कंडीशन,
कर रहे हैं, रिपीटेशन इसके बाद का ही कंडीशन है ना। अब इसके बाद देखो इस एक लेटर में रिपीटेशन क्या है, इसको नहीं कंसीडर करना है, जो बॉक्स में है वो कंसीडर नहीं होगा। क्या है, कितना रिपीटेशन है, एम दो एम है टी है, तो क्या हो जाएगा डिवीजन में, टू फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल। ठीक है यहाँ तक, टू फॉर एम, ये एम जो रिपीटेड है उसके लिए और ये टी जो है वो उसके लिए। ठीक है, बॉक्स के अंदर का कुछ भी अभी हम डील नहीं कर रहे। ठीक है, एट लेटर्स डिवाइडेड बाई एम रिपीटेशन है, टी रिपीटेड है, तो ये आ जाएगा खत्म। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन में जाते हैं, विद इन बॉक्स जो है उसका ऑपरेशन करने वाले हैं। अब क्या करेंगे, कितने लेटर्स है, फोर, सो फोर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना रिपीटेशन है, टू फैक्टोरियल। इसको सिंपलीफाई करोगे आंसर आ जाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स के नीचे, यहाँ किसी का रिजल्ट है ना, यही तो क्या ये। ठीक है, देखो क्या है, एट के नीचे टू फैक्टोरियल है, टू फैक्टोरियल है, सिंपलीफाई करो वही आएगा आंसर। मैम ये 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल * 2 फैक्टोरियल कैसे है मैम, ये 2 फैक्टोरियल यहां जो आया है ये सेट, ये ब्रैकेट के बाहर जो बॉक्स के बाहर का लेटर है उसका ऑपरेशन है। टोटल 8 लेटर्स है, सो 8 फैक्टोरियल, 8 में रिपीटेशन कितना है, 2 का रिपीटेशन है m टाइम, m है 2 टाइम और t है 2 टाइम, तो ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप में जाओ, विद इन बॉक्स जो है उसका ऑपरेशन करो, कितने लेटर्स है, फोर, कितना रिपीटेशन है, दो, दो, सिंपलीफाई करो आ गया, ओके करो, रिजल्ट क्या आता है, 1,30,000। यस मैम, 120 एक समझ में आया भाई। चलो लिखो, द नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ द वर्ड सर्किल, मैं वर्ड बता दीजिए ना, मैं वर्ड का सिर्फ बता दीजिए कौन कौन वर्ड है, सर्किल सर्किल, व्हेन द वॉवेल्स आर टुगेदर, क्वेश्चन दे रहा हूं, नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट्स ऑफ द वर्ड सर्किल व्हेन वर्ड सर्किल, नंबर ऑफ पॉसिबल वर्ड्स ऑफ सर्किल जिसका वर्ड है, व्हेन द वॉवेल्स आर टुगेदर, व्हेन वॉवेल्स आर टुगेदर, करके देखो क्या आ रहा है, व्हेन वॉवेल्स आर टुगेदर,
अब इसी में ये भी कर लेना, एक पहला कंडीशन है व्हेन वोवेल्स आर टुगेदर, साथ में दूसरा कंडीशन डाल दो व्हेन वोवेल्स आर नेवर टुगेदर. व्हेन वोवेल्स आर नेवर टुगेदर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कॉन्स्टेंट्स आर टुगेदर, मतलब नॉर्मल मैम नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा. सर्कल, हाँ सर्कल का अरेंजमेंट करो व्हेन वोवेल्स आर टुगेदर. हाँ सर्किल वर्ड है, उसका अरेंजमेंट करना है व्हेन वोवेल्स आर टुगेदर एंड व्हेन वोवेल्स आर नेवर टुगेदर. करके देखो, करके देखो, अपना दिमाग लगाओ थोड़ा. वोवेल साथ में मैम तो 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल होगा ना. वोवेल साथ में तो के केस में मेरा 6 आ रहा है मैम, किसी का 6 आ रहा है. चलो देखते हैं. अरेंजमेंट इतना कम पॉसिबल नहीं है, 6 और 8 आंसर पॉसिबल नहीं है. सर्किल है ना, यही स्पेलिंग है, आई यही तो है, तो आई और ई में सिंगल वर्ड ले लो, सी आर सी एल यही है ना. 1 2 3 4 5 5 फैक्टोरियल रिपीटेशन सी का है, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 फैक्टोरियल 120 8 और 6 कैसे आ रहा था, बस 120 हो गया, आंसर आ गया, आंसर आ गया 120 किसी ने कहा प्रैक्टिस मेक्स मैन, परफेक्ट और मैथ्स में प्रैक्टिस करना.